बिहार में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, दशहरा का मेला चल रहा है और यहाँ पे रामनगर में आंदर ढाला ओवर ब्रिज के पास एक बड़ी घटना घट चुकी है, जहाँ पर ट्रक ने लगभग 3 लोगों को बुरी तरह से कुचल दिया है, जिसमें 2 लोगों के मौत की सूचना आ रही है। आपको बता दें कि ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल है, ड्राइवर को कुछ लोगों के द्वारा पीटा गया है, वह गंभीर रूप में अभी भर्ती है। 2 लोगों की मौत की सूचना आ रही है, उनके आधार कार्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि वो कलकत्ता के रहने वाले हैं और इधर ही कहीं सिवान के ही वो मतलब निवासी बताए जाते हैं, लेकिन कलकत्ता का उनका आधार कार्ड मिला है। अभी समाजसेवी श्रीनिवास यादव भी यहाँ पहुँचे हुए थे, एम्बुलेंस के माध्यम से लोगों को ले जाया गया। हम धीरे धीरे पहुँचेंगे, देखेंगे कैसे पुलिस छावनी में यहाँ तब्दील कर दिया गया है। पूरी तरह से लोगों को यहाँ पर किसी को भी आने नहीं दिया जा रहा है और पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है कि आखिर किन कारणों से इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है। हालांकि यहाँ पर कुछ लोग थे, उनका कहना है कि पुलिस के द्वारा ट्रक को चालक को दौड़ाया गया, जिसके वजह से गाड़ी अनियंत्रित हो गई, लेकिन अभी इस मामले की पुष्टि नहीं की जा सकती है। हालांकि जब हम बयान लेंगे उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं और दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो बाइक लगी हुई है, बाइक की स्थिति कितनी ख़राब हो चुकी है। और देख सकते हैं आप कि यहाँ पर बाइक है और हेलमेट है, ब्लड्स है, सब कुछ यहाँ पे आपको दिख सकता है। बड़ी घटना हो चुकी है, दशहरा पूजा का ये दशमी के पहला दिन है, 11वां दिन है आज, और इतनी बड़ी दुर्घटना एकादशी इसको बोल सकते हैं। अभी किसी तरह का विसर्जन नहीं हुआ है, मेला अभी चालू है, लेकिन इतनी बड़ी दुर्घटना कहीं ना कहीं एक अंदेशा व्यक्त करती है कि आखिर इतनी बड़ी दुर्घटना हुई तो हुई क्यों, आखिर जो ट्रक चालक है वो उसका ट्रक असंतुलित कैसे हुआ, एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। हालाँकि बयान आने के बाद ही हम कुछ पुष्टि कर सकते हैं। अभी कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं और आगे हम सदर अस्पताल पहुँचेंगे और वहाँ की स्थिति बताएँगे कि कितने लोग घायल है, कितने की मृत्यु हो चुकी है। हमारी सूचना के अनुसार एक पुरुष और एक महिला की मृत्यु हो चुकी है और यह काफ़ी दुखद है और हमें सुनकर यह काफ़ी दुख लगा। कैमरा पर्सन विशाल के साथ रोहित सिंह शौर्य, शिवान। मेला हुआ सिवान में, क्या कहेंगे इसके बारे में? तो घटना घटी है, जो एक्सीडेंट हुआ, रोड एक्सीडेंट, ट्रक से एक स्कूटी और एक टू व्हीलर को हिट किया गया है, जिसमें कि अभी तक सूचना प्राप्त हुई है 2 लोग का अनफॉर्चुनेट डेथ हो गया है, कैजुअलिटी है और कुछ लोग इंजर्ड भी हैं, एक को रेफर किया गया है और हम लोग अभी हॉस्पिटल में पहले जिनका भी इंजुरी है उनको बेहतर इलाज दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। बाद बाकी जो घटना का क्या कारण है वो बाकी हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जो घटना में जो शामिल ट्रक थे उसके जो ऑनर जो ड्राइवर थे उसको भी पब्लिक ने पकड़ लिया था, तो हम लोगों ने सेफली अभी उसको हटा दिया है। फिलहाल स्थिति ठीक है, बाकी कोई इश्यूज नहीं है और आगे का अनुसंधान। क्या नंबर उसका नहीं?